स्वागत करता हूं मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए टॉपिक पर आएंगे, और उस टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में हमने क्या करा था। हमने उसमें लास्ट में देखा था कि आइसोट्रॉपिक मिनरल्स का बिहेवियर कैसा होता है क्रॉस्ड पोलर्स में। आइसोट्रॉपिक मिनरल्स इन क्रॉस्ड पोलर्स। अच्छा, ये वाली हेडिंग मैंने वहाँ पर नहीं लिखी हुई थी, ये मैंने अभी डाली है, और ये है आइसोट्रॉपिक मिनरल। तो हमने देखा था कि भाई इनका कोई डबल रिफ्रैक्शन नहीं दिखता है, क्योंकि लाइट जो कि पोलराइजर से आ रही है वो मिनरल से वैसी की वैसी पास हो जाती है, बिना कुछ अफेक्ट करे, बिना कुछ चेंज हुए। तो एनालाइजर उस पूरी की पूरी लाइट को कट कर देता है पूरी तरीके से, और वहाँ पर डार्कनेस आ जाती है। हम फिर मिनरल को चाहे पूरा 360 डिग्री घुमाएं, स्टेज के ऊपर रख कर, मिनरल पूरे में डार्क ही अपीयर करेगा, ठीक है, जब भी हम मिनरल को क्रॉस पोलर्स में देखेंगे। तो ये थी आइसोट्रॉपिक मिनरल्स की कंडीशन। अब जब हम यही चीज़ एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स के लिए करते हैं, यानी कि हम एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स को क्रॉस पोलर्स में देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो क्या होता है, एक नए फिनोमेनन का जन्म होता है जिसको हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस कलर। तो यही है हमारी आज की वीडियो का नाम, इंटरफेरेंस कलर, ठीक है। और ये किसके रिजल्ट में या किसके बाय प्रोडक्ट में हमें मिलती है, जब हम एनाइजोट्रॉपिक मिनरल को क्रॉस्ड पोलर्स में स्टडी करते हैं, यानी कि वेन एवर वी चेक एनाइजोट्रॉपिक मिनरल्स इन क्रॉस्ड पोलर्स, और वेन एवर वी एग्जामिन एनाइजोट्रॉपिक मिनरल्स इन क्रॉस्ड पोलर्स, देन वी सी द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस कलर, ठीक है। बस वही चीज़ आज देखने वाले हैं, ये देखो। तो हमें क्या करते हैं, हम एक थिन सेक्शन लेंगे एनाइसोट्रॉपिक मिनरल का, और उसको क्रॉस पोलर्स में रख देंगे, ठीक है। क्रॉस पोलर्स में रखने का मतलब भाई नीचे पोलराइजर, बीच में मिनरल, ऊपर एनालाइजर, है ना। तो वो हमें जनरली ब्राइट कलर का दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। और अगर हम स्टेज को रोटेट करें तब हमें डार्क और ब्राइट दिखेगा, डार्क और ब्राइट कलर दिखेंगे, BRIGST, चार बार एक कंप्लीट रोटेशन में। स्टेज को जब हमने पूरा रोटेट करा तो उसके ऊपर मिनरल भी पूरा रोटेट होगा 360 डिग्री। तो एक कंप्लीट रोटेशन में हमें चार बार डार्क एंड ब्राइटनेस दिखेगी, डार्क एंड ब्राइटनेस दिखेगी, ठीक है। अब देखो, इंटरफेरेंस कलर के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे यहाँ नीचे से लाइट आती है। नीचे से कहाँ से, यहाँ पर मान लो पोलराइजर रखा हुआ है, पोलराइजर से हमारी आएगी अनपोलराइज्ड लाइट। कैसी लाइट आएगी, अनपोलराइज्ड, LIGHT, ठीक है। हमारी पोलराइजर से अनपोलराइज्ड लाइट आएगी, ठीक है। पहले इस डायग्राम को समझो, फिनोमेना तब समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर एक आई बनाई हुई है, ये एक आई पीस है, ठीक है। और ये यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है, या फिर मैं कहूँ फेज डिफरेंस दिख रहा है। दो वेव्स बनाने की कोशिश करी मैंने, एक डार्क लाइन से और एक डॉटेड लाइन से, और उनमें हमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर ये एनालाइजर है, ये जो लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, ये जो पी है, पी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइब्रेशन प्लेन्स ऑफ पोलराइजर। और ये जो ए ए है, यानी कि लाइन ए ए ऐसे में होगी, ए ए, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, ए ए भी लिखना चाहिए। तो ए ए को मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक ए मैंने यहाँ पे लिखना है और एक ए मैंने यहाँ पे लिखना है, इस डायरेक्शन में। तो ये जो ए ए है, ये है हमारे वाइब्रेशन प्लेन ऑफ एनालाइजर, ठीक है। अच्छा, बात करें ओ एफ और ओ एस की, ये जो ओ एफ और ओ एस है भाई, ये फास्ट रो है, फास्ट रे है, और यह है स्लो रे, और ये भाई क्रिस्टल के वाइब्रेशन प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही हैं, ठीक है। ये दोनों रेज आपस में इंटरफेयर नहीं करती हैं, ठीक है। अब आ जाओ, इनको बढ़ते हैं एक एक करके। और एक और चीज़ देखो भाई, जैसे ये ओ एफ डैश है, अब तुमने 11th 12th में पढ़ा होगा भाई, कॉम्पोनेंट्स बनाना, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स भाई। अच्छा, ये एंगल इसके साथ सटा हुआ है, मतलब जैसे ये ओ एफ है, इसके साथ ये वाला एंगल सटा हुआ, तो ये वाली लाइन कितनी हो गई, ये हो जाएगी ओ एफ कॉस थीटा।
और ये कितनी हो गई ओ एफ साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही अगर इसका एंगल यहाँ पर बनता है यहाँ पर, तो ये वाला कितना हो जाएगा ओ एस साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा तो ये होगा, ये कुछ और होगा, मान लो ये हो गया बीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा ओ एस साइन बीटा। ठीक है, और वो बीटा यहाँ पर अगर होगा तो, ठीक है, तो ये हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो भाई अब मैं ओ एफ साइन थीटा को मैं नाम दे रहा हूँ ओ एफ डैश, और ओ एस साइन बीटा को मैं नाम दे रहा हूँ ओ एस डैश। तो भाई जो ओ एफ डैश और ओ एस डैश हैं, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं इन दो रेज के, और यही दोनों कंपोनेंट्स, क्योंकि ये हमारे एनालाइजर के प्लेन में आ रहे हैं भाई, एनालाइजर प्लेन ऐसे में है, और यही दो कंपोनेंट्स ओ एफ डैश और ओ एस डैश हमारा इस प्लेन में आ रहे हैं, तो यही दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास करेंगे एनालाइजर से। ठीक है, ये ट्रांसमिट होंगे एनालाइजर से, और इसके बाद हमें फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन दोनों में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक तो फास्ट रे का है और एक स्लो रे का है। अब क्योंकि वेलोसिटीज में फ़र्क आ रहा है, तो भाई फेज डिफरेंस भी आएगा। फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस की वजह से यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। इंटरफेरेंस होगा तो हमें इंटरफेरेंस कलर्स देखने को मिलेंगे, और जब हम यहाँ पे ये फेज डिफरेंस हमने देखा, उसके बाद हमें यहाँ पे आंख से जब हम आईपी से देखते, तो हमें इंटरफेरेंस कलर्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके का ओवरव्यू रहने वाला है, मतलब ओवरऑल मैंने आपको ये फिनोमेना हल्का फुल्का समझाया है डायग्राम की मदद से। अच्छा, देखते हैं डायग्राम के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे एनाइजोट्रॉपिक क्रिस्टल इन क्रॉस्ड पोलर्स। भाई इस डायग्राम का नाम क्या है कि भाई ये एनाइजोट्रॉपिक क्रिस्टल, मतलब ये क्रिस्टल के अंदर का दिखा रखा है वैसे, बट क्रिस्टल ऐसा कहीं बाहर से होगा, ये जो ये क्रिस्टल है ना, ऐसा ये है क्रिस्टल। भाई ये एनाइजोट्रॉपिक क्रिस्टल को जब हमने क्रॉस पोलर्स में रखते हैं तो क्या होता है? ठीक है, देखो पी पी एंड पी डैश पी एंड ए डैश ए आर द वाइब्रेशन प्लेन्स ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर रिस्पेक्टिवली। भाई पी पी तो वाइब्रेशन प्लेन है पोलराइजर का, और ए ए वाइब्रेशन प्लेन है एनालाइजर का। पी पी पोलराइजर का, ए ए एनालाइजर का। भाई ओ एफ हमारी फास्ट रे है, ओ एस हमारी स्लो रे है, और ये दोनों हमारे क्या कहाँ पर वाइब्रेट कर रहे हैं? इन वाइब्रेशन प्लेन ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल के वाइब्रेशन प्लेन में। ठीक है, दीज रेज डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर बट वन वेव इज रिटार्डेड रिलेटिव टू अदर। ठीक है, तो दीज रेज डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। भाई ये दोनों वेव्स, सॉरी ये दोनों रेज जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करती हैं, पर एक वेव जो है इनमें से वो पीछे रह जाती है। भाई रिटार्डेड मतलब पीछे रह जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है एक दूसरे के मुकाबले में। ठीक है, और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ओ एफ डैश एंड ओ एस डैश आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द टू रेज ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर। फेज डिफरेंस इन दैम कॉज इंटरफेरेंस एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस कलर्स इन दैम। अब जो ओ एफ डैश और ओ एस डैश रेज मैंने आपको दिखाई थी डायग्राम में, ये दोनों ही हमारे ट्रांसमिट होती हैं एनालाइजर से, और फेज डिफरेंस जो होता है इनके बीच में, उसी की वजह से इंटरफेरेंस होता है और इंटरफेरेंस कलर्स निकल कर आते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस कलर्स, कि भाई इंटरफेरेंस कलर्स बनते कैसे, ये हम डिटेल में जानेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमें एक वाइब्रेशन डायरेक्शन, ठीक है, कंसिडर दैट द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द एनाइजोट्रॉपिक क्रिस्टल अंडर एग्जामिनेशन आर एट ऑब्लिक या इंक्लाइंड एंगल्स टू दोज ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। यानी सबसे पहले हमें ये मानना होता है कि जो हमारे क्रिस्टल, मतलब जो हमने एनाइजोट्रॉपिक क्रिस्टल लिया है जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, उसकी जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है वो ऑब्लिक या फिर इंक्लाइंड एंगल्स पे हो एनालाइजर और पोलराइजर के। ठीक है, तो उस डायग्राम में मैंने दिखाया था, ये देखो ये है डायग्राम। भाई ये है पोलराइजर का प्लेन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये है एनालाइजर का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो इसके ये ऑब्लिक एंगल पे है, कुछ इंक्लिनेशन पे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये कंडीशन चाहिए। इसके बाद अब आगे क्या होना चाहिए देखो, ठीक है, अब दूसरी, फिर उसके बाद क्या है, अब पोलराइजर से लाइट निकली, और पोलराइजर से निकल कर लाइट जब हमारे एनाइजोट्रॉपिक क्रिस्टल पर पड़ी तो वो दो रेज में टूट जाती है, जो जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही होती हैं। ठीक है, और वाइब्रेशन डायरेक्शंस ऑफ क्रिस्टल में होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है,
दूसरे पॉइंट में देखो भाई, यहाँ से हमारे पोलराइजर से लाइट निकल कर आई ठीक है। अच्छा मतलब अनपोलराइज्ड लाइट तो नहीं, ये तो पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी क्योंकि ये पोलराइजर से निकल कर आई है, तो अन हटा दो ठीक है। पहले सबसे मतलब पोलराइजर से भी जो नीचे पोलराइजर में जो लाइट एंटर करती है वो होती है अनपोलराइज्ड लाइट, और पोलराइजर से जो निकल कर आती है वो होती है पोलराइज्ड लाइट ठीक है। तो ये लाइट हमारी क्रिस्टल पर पड़ती है और ये टूट जाती है ठीक है, दो रेज में। ये तो हम हमेशा से पढ़ ही रहे हैं, यही तो हो रहा है ठीक है। दो रेज में टूट जाती है और वो दोनों रेज एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं ठीक है, और उनके प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन भी परपेंडिकुलर होते हैं ठीक। फिर अगला क्या है, जब ये क्रिस्टल से पास करती है द टू रेज हैव ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज। अब भाई जब ये क्रिस्टल से पास कर रही होती हैं तो दोनों रेज हमारी अलग अलग वेलोसिटीज से चलती हैं ठीक है, और दोनों वेव्स क्रिस्टल के अंदर दोनों रेज या दोनों वेव्स क्रिस्टल के अंदर अलग अलग वेलोसिटीज से चलेंगी। तो जब वो बाहर निकलेंगी तो भाई एक कोई ना कोई आगे होगा और कोई ना कोई पीछे होगा, है ना भाई। मान लो तुम दौड़ लगा रहे हो अपने दोस्त के साथ ठीक है, तुमने 50 मीटर की दूरी तय की, एक तेज चल रहा है और एक धीरे चल रहा है, तो क्या आएगा, दोनों के बीच में स्पेस पैदा हो जाएगा ना, उसी को हम फेज डिफरेंस बोलते हैं ठीक है। और ये तुमने 11th 12th में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है ठीक है, ये मैंने बस एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी, इसे एकदम रिजिडली मत ले लेना ठीक है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पैदा हो जाएगा, मतलब एक पीछे रह जाएगी। दीज रेज पास अपवर्ड टू द एनालाइजर, और ये रेज हमारी एनालाइजर में जाती हैं। अब जब लाइट हमारी क्रिस्टल से पास होती है, देखो ड्यूरिंग द पासिस थ्रू द क्रिस्टल द टू रेज हैव ट्रेवल्ड विद डिफरेंट वेलोसिटीज। क्रिस्टल से पास होते हुए दोनों की दोनों रेज जो हैं अलग अलग वेलोसिटीज से चलती हैं, इसलिए जब वो क्रिस्टल से बाहर निकलती हैं, इमर्जिंग मतलब क्रिस्टल से बाहर निकलना, तो एक रे जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाती दूसरे रे के मुकाबले, और ये दोनों रेज फिर एनालाइजर की तरफ जाती हैं ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से ये रे निकल के इनमें पड़ी, जब ये क्रिस्टल से पास हुई, मतलब ये रे यहाँ पर निकली, जब ये क्रिस्टल ने पास हुई तो क्या होता है, तो एक रे कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है और एक रे आगे निकल जाती है ठीक है। तो इतना सिचुएशन यहाँ पर हो गया, और उसके बाद ये ऊपर एनालाइजर में चल जाती हैं ठीक है भाई। एक रे पीछे रह गई, एक रे आगे निकल गई, फिर ये ऊपर इस एनालाइजर में जाती हैं, ये जो मैं यहाँ पर ए से दिखा रहा हूँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। एनालाइजर के बाद क्या होता है, जब ये एनालाइजर में एंटर करती हैं, ऑन एंटरिंग द एनालाइजर ईच ऑफ दीज रेज इज ब्रोकन अप इनटू टू कंपोनेंट्स। अब एनालाइजर में जाने पे इनमें से दोनों रेज जो हैं ये दो कंपोनेंट्स में टूटती हैं भाई। दो रेज निकल कर आई ठीक है, दो रेज एनालाइजर में गई और वो भी एनालाइजर में और दो दो रेज में टूट जाती है, ओ रे और ई रे में, और सिर्फ वो कंपोनेंट्स बचता है जो भाई पैरेलल होगा हमारे प्लेन ऑफ एनालाइजर की। ओनली दोज कंपोनेंट्स ऑफ द टू रेज आर ट्रांसमिटेड विच आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ एनालाइजर। और इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ कि भाई सिर्फ वो रेज ट्रांसमिट करती हैं जो कि जिनका वाइब्रेशन जो है वो पैरेलल होता है प्लेन ऑफ एनालाइजर के, वही एनालाइजर से पास करेंगी ठीक है। फिर आगे क्या है, फिर एनालाइजर से हमारी दो रेज निकल कर आती हैं जो कि सेम प्लेन में वाइब्रेट कर रही होती हैं। देखो याद करो डायग्राम में दिखाया था ना कि भाई वो दोनों रेज सेम प्लेन में वाइब्रेट कर रही थी, कौन कौन सी, ओ एस डैश एंड ओ एफ डैश, है ना, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़े थे, वो दोनों रेज भाई एनालाइजर के प्लेन में वाइब्रेट कर रही थी, तो वही दोनों एनालाइजर से निकल कर आती हैं और वो सेम प्लेन में होती हैं। अब क्योंकि वो अलग अलग वेलोसिटीज से चली थी तो उनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ जाता है। अब क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस होता है तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी, और अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी, यहाँ पर हमारा इंटरफेरेंस का फेनोमेनन हो गया ठीक है। अब द अमाउंट ऑफ फेज डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन वेलोसिटीज एंड द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल सेक्शन ट्रेवर्स्ड। अब फेज डिफरेंस कितना हुआ ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये भाई कि उनकी वेलोसिटीज में कितना फ़र्क था। अगर वेलोसिटीज में फ़र्क ज़्यादा रहा होगा तो फेज डिफरेंस ज़्यादा बनेगा ऑब्वियसली, और अगर वेलोसिटीज में फ़र्क कम रहेगा तो फेज डिफरेंस कम बनेगा। और दूसरी चीज़ जिस पर डिपेंड करता है वो है कि क्रिस्टल सेक्शन की
में कितना वो चले हैं, यानी थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल सेक्शन, जिस क्रिस्टल सेक्शन में वो चले हैं उसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आगे ये है, द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस विच कॉज डार्कनेस वेरी फॉर रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। भाई अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए, मतलब कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब भाई जो इंटरफेरेंस की कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से डार्कनेस बनती है, वो अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो हैंस व्हेन लाइट इज यूज्ड द इंटेंसिटी ऑफ सम वेवलेंथ आर रिड्यूस्ड टू जीरो। तो जब हम लाइट का यूज करते हैं, ठीक है, तो कुछ वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी तो जीरो हो जाती है, और वहीं दूसरे हाथ पे कुछ वेव्स की इंटेंसिटी इज इंक्रीज टू मैक्सिमम, मैक्सिमम तक चले जाती है, ठीक है। द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम दस प्रोड्यूस आर कॉल्ड इंटरफेरेंस कलर्स। तो ऐसे में जो हमें स्पेक्ट्रम के कलर देखने को मिलते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कलर्स, ठीक है। तो ये था दोस्तों इंटरफेरेंस का फिनोमेनन। अब देखो जो हमें कलर्स देखने को मिलते हैं इनके भी डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, देर आर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ इंटरफेरेंस डिपेंडिंग ऑन वेदर द कलर्स रिजल्ट फ्रॉम ए पाथ डिफरेंस ऑफ 1 लैम्डा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। भाई कलर के भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं इंटरफेरेंस के, और ये किस पे डिपेंड करता है कि भाई जो पाथ डिफरेंस है वो 1 लैम्डा से आ रहा है, 2 लैम्डा से आ रहा है, 3 लैम्डा से आ रहा है ना। तो अगर 1 लैम्डा से आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 लैम्डा से आ रहा है थ्री सेकेंड ऑर्डर, 3 लैम्डा से आ रहा है थर्ड ऑर्डर, और ऐसे हमें कलर्स अलग अलग उसमें देखने को मिलेंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा फिनोमेनन, एक और बार रिकैप्चुलेट करते हैं, रिवाइज करते हैं, और वो हम करेंगे डायग्राम की मदद से। भाई अनपोलराइज लाइट पोलराइजर पर पड़ती है और पोलराइजर से निकल कर आती है तो वो पोलराइज्ड हो जाती है, ठीक है। हमने एक अनाइजोट्रॉपिक क्रिस्टल माना हुआ है जो कि ऑब्लिक एंगल्स पे है एनालाइजर और पोलराइजर के। उसके बाद जब लाइट एनालाइजर पे पड़ती है तो, सॉरी, जब लाइट पोलराइजर पे पड़ती है तो वो दो दो रेज में टूट जाती है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर जब वो दोनों रेज हमारे क्रिस्टल से पास करती हैं, ठीक है, जब वो क्रिस्टल से पास करती हैं तो क्रिस्टल में क्या होता है, वो अलग अलग वेलोसिटीज के साथ मूव करती हैं, अलग अलग वेलोसिटीज के साथ मूव करती हैं, और क्रिस्टल की थिकनेस भी मतलब वेरी कर सकती है। तो जब वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेगी तो एक रे जो है दूसरी रे से पीछे रह जाएगी। फिर आगे देखो क्या होता है, जब दोनों रेज हमारी एनालाइजर पे पड़ती, एक रे तो पीछे रह गई, फिर उसके बाद वो दोनों रेज हमारी एनालाइजर पे पड़ेंगी, और एनालाइजर के पड़ने के बाद भाई दोनों रे दो दो और रेज में टूटेंगे। भाई जो ई रे रही होगी वो दो रेज में, दो और रेज में टूटेगी, और जो ओ रे रही होगी वो दो और रेज में टूटेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, बाकी जो सारी रेज हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी, सिर्फ वही रेज एनालाइजर से पास करेंगी जिनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एनालाइजर के प्लेन के अलोंग होगा, तो वो रेज पास करेंगी तो हमें वो रेज, ठीक है। और फिर वो रेज जो हैं उनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो अलग अलग वेलोसिटी से चली हैं तो उनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा, और उस फेज डिफरेंस के कारण वो आपस में इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेयर करेंगी तो हमें इंटरफेरेंस कलर्स देखने को मिलेंगे। अगर 1 लैम्डा होगा तो फर्स्ट ऑर्डर का कलर, 2 लैम्डा होगा तो सेकेंड ऑर्डर का, 3 लैम्डा होगा तो थर्ड ऑर्डर का, और ऐसा ये चलता जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ यार, दूर दूर तक पहुंचाओ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट करें कैसा लगा है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।